मानव सभ्यता का एक ऐसा अध्याय जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ओपनहाइमर मूवी बात करती है अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की जिंदगी के बारे में कि कैसे वो प्रेरित हुए दुनिया का पहला एटम बम बनाने के लिए और कैसे उनके एक आविष्कार ने इंसानों को बुरे या फिर भले के लिए हमेशा बदल कर रख दिया। डायरेक्टेड बाय द मैन द लेजेंड क्रिस्टोफर नोलन, ओपनहाइमर मूवी नोलन की 22 साल बाद पहली आर रेटेड मूवी है जिसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी भी है। मूवी एक हिस्टोरिकल एपिक है। ये हमें बताती है हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट फिगर की लाइफ के बारे में और कैसे उन्होंने दुनिया को इम्पैक्ट किया। मूवी को मूवी की तरह नहीं बल्कि एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज देखें तो मूवी में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के उस इम्पोर्टेंट एरा के बारे में। सबसे अच्छी बात जो मुझे मूवी की लगी वो है इसकी ब्रॉड माइंडेड अप्रोच। क्रिस्टोफर नोलन ने हमें ये स्टोरी दो पर्सपेक्टिव से दिखाई है और इसमें देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं। मूवी को लेकर एक बात जिसके लिए सभी काफ़ी एक्साइटेड थे वो थे इसके ब्लैक एंड वाइट सीन्स और उनका स्टोरी में सिग्निफिकेंस है। ब्लैक एंड वाइट सीन्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हैं और कलरफुल सीन किलियन मर्फी के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हैं। लुई स्ट्रॉस और रॉबर्ट जे ओपनहाइमर दो बिल्कुल ही अपोजिट सोचने वाले लोग और कैसे एक ही सिचुएशन को वो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो मूवी का बेस्ट पार्ट था मेरे लिए। लास्ट के 35 मिनट्स में जो बैक एंड फोर्थ और जो इम्पैक्ट उन लास्ट के 35 मिनट का था वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस छोड़ देंगे, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है कि आप कौन से पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं। मूवी का रन टाइम 3 घंटे का है और कुछ लोगों के लिए वो 3 घंटे का टाइम लंबा हो सकता है, पर मुझे पर्सनली लंबी मूवीज में कोई दिक्कत नहीं होती अनटिल उनका रन टाइम वर्थ इट हो, और ओपनहाइमर का हर एक मिनट उसकी ब्यूटी में हमें इमर्स कर लेता है। स्टार्टिंग के 20 मिनट में हमें ओपनहाइमर एज अ पर्सन एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके साथ उनकी जर्नी हमें दिखाई जाती है। और अगर आपको लगता है कि मूवी तो बस एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी ही है और इसमें क्या ही इंटरेस्टिंग बात होगी तो आप गलत हैं। मूवी के लास्ट 35 मिनट हटा भी दे तो मूवी के 2.5 घंटे के रन टाइम में मूवी आपको मैस्मराइज कर देगी। सिर्फ विजुअल्स या मूवी का बीजीएम ही नहीं, मूवी की स्टोरी भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि मूवी में आप अपनी सीट की एज पर होंगे। ये क्रिस्टोफर नोलन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी है तो शायद उन्होंने आज तक करी है। मूवी भले ही उनकी क्रेजीएस्ट इंटरेस्टिंग जैसे हमने देखी है वैसी स्टोरी ना हो, पर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी सबसे ऊपर स्टैंड करती है। मूवी के डायलॉग्स नोलन के बेस्ट थे और मूवी में हो रही कन्वर्सेशन बैक एंड फोर्थ में आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जो कि दिखाता है कि इस पर कितनी मेहनत करी गई है और ये कितनी वेल रिटन स्टोरी है। मूवी की एक और बात जो इसे इम्पैक्टफुल बनाती है वो है इसकी एडिटिंग। कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन हो रहा होगा कि अचानक सीन कट होकर हमें कोई विजुअल या फिर कोई कैरेक्टर की तरफ ले जाएगा जिससे एक सस्पेंस बिल्ड होता है। एडिटिंग और विजुअल से जिस तरह हमें ओपनहाइमर की थिंकिंग उनके पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है, दिखता है कि क्रिस्टोफर नोलन अपने आर्ट में कितने माहिर हैं। मूवी के म्यूजिक की बात करें तो ये लुडविग गोरनसन का बेस्ट म्यूजिक था। उन्होंने पहले टेनेट, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर जैसी मूवीज पर काम किया है, पर ये एक ऑस्कर वर्दी म्यूजिक था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी नोलन की हर मूवी की तरह शानदार थी। मूवी के विजुअल जब आईमैक्स स्क्रीन पर दिखते हैं तो रियलाइज होता है कि क्यों नोलन ने इसे बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कहा है। कुछ लोगों को मूवी की पेसिंग भी स्लो लग सकती है, जैसा मैंने बताया कि मूवी 3 घंटे की है, और उनके लिए ये एक आइडियोलॉजिकल मूवी है जिससे हमें एक्शन नहीं है, सस्पेंस और थ्रिल और लॉन्ग कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती हैं जिससे हर कोई एंजॉय नहीं कर पाता, पर मुझे तो मूवी की पेसिंग प्रॉपर लगी। मैं स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड था तो मुझे मूवी की पेसिंग से कोई इशू फील ही नहीं हुआ। फाइनली आई मूवी की कास्ट पर तो सभी एक्टर्स ने काफ़ी शानदार काम किया है। कुछ कैरेक्टर्स को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर सभी अपनी छाप उसमें छोड़ते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। मुझे पता है कि उनमें एक्टिंग स्किल्स हैं, पर इस मूवी में उन्होंने एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। मूवी में उनका परफॉर्मेंस उन्हें इजीली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर दिला सकता है। मैट डेमन भी काफ़ी अच्छे थे। वो इस इंटेंस मूवी में एक सॉफ्ट साइड लेकर आते हैं जो कि देखकर काफ़ी अच्छा लगा। एमिली ब्लंट का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ही अमेजिंग था। उन्हें भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर नॉमिनेशन मिल सकता है।
बात करें स्टार ऑफ द मूवी यानी किलियन मर्फी पर, तो ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। मैं किलियन मर्फी का हमेशा से ही बड़ा फैन रहा हूँ और उनके परफॉर्मेंस एज रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को मैं उनके थॉमस शेल्बी के पोर्ट्रेट के लेवल पर रखता हूँ। किलियन एक काफी ही अंडररेटेड एक्टर है और जिस तरह से वो सिर्फ अपनी आंखों से एक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने इस मूवी में देखा, वो काफी ही शानदार है। और अब बात करें कैप्टन ऑफ द शिप यानी क्रिस्टोफर नोलन की, तो ओपेनहाइमर शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जैसा शायद ही हमें नोलन की तरफ से कोई प्रोजेक्ट दोबारा देखने को मिले। मूवी कोई एक्शन हैवी विजुअल हैवी मूवी नहीं है, जो कि हम नोलन की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये एक मोर ही सिंपल स्टोरी है जिसे नोलन ने अपना बेस्ट काम किया है। क्रिस्टोफर नोलन को ऑस्कर जीतता देखने का सपना ये मूवी पूरा कर सकती है, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस थी और ये अपनी हाइप पर पूरी तरह डिलीवर करती है। तो मूवी को लेकर मैं अपने फाइनल थॉट्स बताऊं तो ओपेनहाइमर एक मोन्यूमेंटल फिल्म है। ये एक अलग ही स्टोरी है अनलाइक बाकी क्रिस्टोफर नोलन मूवीज। नोलन अपने बेस्ट पर हैं और मूवी की कास्ट और उनके परफॉर्मेंस मूवी का लेवल बहुत ऊंचा ले जाते हैं। मूवी हमें हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट एरा में लेकर जाती है और इसकी स्टोरी और डायलॉग्स आपको पूरी तरह इमर्स कर लेती है। मूवी के विजुअल्स और म्यूजिक हर मूवमेंट पर इम्पैक्ट बढ़ा देते हैं, और जहां लोगों को इसका लेंथ से प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी स्टोरी आपको थ्रू आउट इन्वेस्टेड रखती है। मूवी को हो सके तो आप जितनी बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय करना, क्योंकि इसे बनाया ही गया है फैंस को एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ओपेनहाइमर मूवी कैसी लगी और आप इसे अपने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की रैंकिंग में कहां रखते हैं। और तो रैंकिंग भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। Struggle with every step.